लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती। बोलो किसने की है गद्दारी? देखो मैं जानता हूँ गरीबी बहुत बुरी चीज है और मुझे खून खराब बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलो किसने पुलिस अंकल को इन्फॉर्म किया है? चलो बता दो, होती है गलती, इंसान से ही होती है। चलो बता दो किसने गद्दारी की है। ओके बोले झंडू के चेवन प्रास, बोल किसने की है गद्दारी, किसने की है गद्दारी? बोल वहां पेट्रोल चल रहा है, बोल बोल जल्दी। नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, ओ भाई भाई, बोलिए हमारे टायर, बोल शानदार सवारी, शानदार सवारी, बोल भाई बता दो, मेरी मेरी पुलिस को तुमने बताया था? मेरी पुलिस नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, गद्दार को मैं 6 मारता हूँ। जोगिया की गोली लो और खिचकिच दूर करो। भाई जोगिया भाई, अरे चीमन टुंडा, अब तू क्या सुनाएगा, भजन की भंगड़ा? भाई दो खबर है। क्या? एक अच्छी एक बुरी, पहले कौन सी वाली सुनाऊं? बुरी वाली हो चुकी, अच्छी वाली सुना। भाई पहली अच्छी खबर तो ये कि अपने 50 लाख के ड्रेस का जो कंसाइनमेंट था ना, वो आसानी से उतर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखा कलेजों को कितनी ठंडक पहुंची है मेरे। बुरी वाली सुना। और बुरी खबर ये है कि अपने ड्रग्स का कंसाइनमेंट पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया। देखा ये कलेजों को कितनी आग लगी है, कौन था वो? वो सीधा लगा था भाई, पता नहीं पुलिस को कैसे पता चला, और 4 रस्ते के सिग्नल पे पुलिस एनकाउंटर के अंदर अपना माल पकड़ा गया भाई। जोर का झटका धीरे से लगे, इतनी डेरिंग, जोगिया से पंगा, हाँ? लिखो स्क्रिप्ट अपना अपना, पुलिस से झूठा एनकाउंटर करवा के 10% का इनाम खा गया, ढूंढो साले को जो शेर के मुंह में लॉलीपॉप डाल के शिकार लेके गया, सांप के बिल में हाथ डाल के गुदगुदी करके गया, ढूंढो साले को। Hey girls, आज भी मैं अच्छा हूँ, दिल का भी सच्चा हूँ, but B-U-T, but I am a flirt.
चमत्कार होगा, तू चलेगा। हाँ ये ले। संजू भैया आज मेरा हैप्पी बर्थडे था, कहाँ थे तुम? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। थैंक यू संजू भैया, आई लव यू, लव यू, लव यू बेटा। संजू इतना ख्याल रखता है तू इन अनाथ बच्चों का? अरे मदर मैं भी तो इनमें से एक था। माँ बाप भाई बहन फैमिली क्या होता है मुझे पता ही नहीं, इसीलिए थोड़ा सा बांट कर थोड़ा सुकून ले लेता हूँ। और आज तो कितना बड़ा आदमी बन गया है संजू। किसने बोला? अरे सब पता है मुझे, वरना इतने सारे रुपए कमा के लाता कहाँ से है तू? कहाँ से? किस्मत से, हाथ की लकीरों से, हाथ के चमत्कार से। और देखना मदर एक दिन बहुत सारा प्यार पाऊंगा किस्मत से। गॉड ब्लेस यू माय सन। थैंक यू मदर। चल भाई ने बुलाया, चल जो कि भाई से गद्दारी करता है। चल भाई
नाम क्या है तेरा? संजू। कौन सी जू? पूरा नाम बोल पूरा। अरे इतना ही चाहिए, आगे पीछे कुछ नहीं है। अच्छा, इसलिए कटी पतंग की तरह घूम रहा है? तूने जोगिया के साथ गद्दारी की? इतनी डेयरिंग तेरी? तू जानता है मैं कौन हूँ? एक बार मेरी गर्लफ्रेंड ने अंगूठी मांगी थी, मैंने उसकी उंगली काट के रख दी थी, इधर नागिन की तरह छटपटाकर बेहोश हो गई थी थोड़ी आगे, समझा? जो प्यार में उंगली काट सकता है ना, वो गद्दारी में हाथ पर काट के भिखारी भी बना सकता है। वो देख, चिमन टुंडा। टुंडा बनाया भाई ने। देखा है बांद्रा सिग्नल पे लोटा लेके बैठता है, तेरे को किधर बैठना है? बाबुलनाथ, हाजी अली, सिद्धि विनायक, बोल। धंधा बेटर किधर है? ए, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। ए, तू मेरे को बिठाएगा नाके पे? अच्छा? तो ला रे गुड़िया को ला। संजू भैया, मुझे बचाओ संजू भैया। इसको बिठाओ सिग्नल पे। ए, चुके सेठ, तुझे मारना तो मुझे मार, इसको हाथ लगाना तो। तेरे को मार के क्या करूंगा मैं? तेरी लाश को शोकेस में लटकाऊंगा? मुझे मेरे 50 लाख से मतलब है, बस। संजू भैया, मुझे बचाओ संजू भैया। जोगी सेठ, ए जोगी सेठ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है यार। देख देख, तू मुझे थोड़े से पैसे दे दे, मैं बिजनेस शुरू करूंगा और तेरे पैसे लौटा दूंगा, ठीक है जोगी सेठ? अब मैं लेके जाऊं उन्नी को। घूमता आई ना, एक महीने की मोहलत देता हूँ, समझा? एक महीने के अंदर पैसे नहीं लौटाए ना, तो इसके हाथ पर काट के सिग्नल पे बिठा दूंगा। पर देसी जाना नहीं करते, समझा? एक महीने की मौला, 30 दिन, द काउंटडाउन बिगिंस। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। करता हूँ दाढ़ी आगे पिछाड़ी, ब्रश को घुमाओ तो कुछ कुछ होता है। नटवर, कुछ करना यार। पुलिस पीछे पड़ गई? अरे नहीं यार, गुंडे पीछे पड़े। गुंडे? अबे जोगिया के आदमी पीछे पड़े। जोगिया तेरे को जांगिया पहना के रोड पे लाके देखना। अबे तू हंसता है? हंसता है नहीं, मेरी स्टाइल ही ऐसी है। जब मैं पैदा हुआ था ना, मेरी माँ रोती थी, बाप हंसता था। लेकिन बाप मरने से पहले हमेशा बोलता था कि भाई भाई बाटली से हमेशा दूर रहना, फंस गया ना भाईगिरी के चक्कर में। अरे अपने छोटा मोटा काम चलता था ना, ठीक था ना? क्यों पंगा लिया? अब क्यों लेते हैं पंगा तू? क्यों? रो मत। बैठ। कुछ आइडिया सोच यार, वरना वो लोग मेरे साथ तुझे भी मार डालेंगे यार। हाँ क्यों? तू चाहता है ना तेरी शादी हो? हाँ? अरे शादी हो, क्या बात कर रहा भाई, मैंने पंडित ढूंढ रखा है, शादी का हॉल बुक कर रखा है, बस खाली लड़की देखना बाकी है। अरे लड़की मिल जाएगी यार, तू चाहता है ना तेरे बच्चे भी हो? बच्चे हो? अरे मैंने कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन की बात कर रखी है भाई, क्या बात कर रहा तू? और तेरे बच्चे पैदा होने से पहले अनाथ हो जाए तो? पैदा होने से पहले अनाथ हो जाए, क्या हो गया तेरे को मेरे भाई? क्योंकि अगर तूने मुझे आइडिया नहीं बताया ना, तो वह जांगिया है ना? जांगिया जाएंगे नहीं, जोगिया। जोगिया जोगिया, वो जोगिया है ना, वो मुझे, तुझे और वो अनाथ आश्रम को उड़ा देगा, और तेरे बच्चे जो पैदा होने से पहले अनाथ हो जाएंगे, अरे वो कहाँ रहेंगे? अभी तू हंसता है? तू बच्चों को क्यों जाना यार, बच्चों का टेंशन मत ले यार, तू पैदा नहीं होने देगी यार, बात तू कहाँ रहेंगे यार? अरे बड़े बड़ों को मुंबई में जगह नहीं मिलती यार, बात कर रहा है यार, रो मत, टेंशन मत ले तू। आगे बता प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार, ये लास्ट टाइम है, प्लीज यार डटो। अच्छा चल, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, मैंने एयरपोर्ट पे एक NRF पैसे वाला बकरा फंसा है। ये आदमी किसी पैसे वाले चौधरी फैमिली का दूर का रिश्तेदार है, जहाँ वो मेहमान बन के जा रहे हैं। नाम है संजय शास्त्री। अच्छा? एक नंबर का येड़ा है, मेरे को मुंबई एयरपोर्ट में मिला, मेरे को बोलता है बॉम्बे ले जा मेरे को। ये ले उस फैमिली की पूरी हिस्ट्री। मैं वहाँ संजय शास्त्री बन के जाने वाला था और 50-60 पेटी का टोपी पहना के आने वाला था, लेकिन क्या करूँ, टोपी पे लिखा है घुमाने वाले का नाम। अब तो संजय शास्त्री बन के वहाँ जा, टोपी घुमा, एक महीने के लिए जोगिया से भी दूर रहे और माल लेके कड़के से भी दूर रहे। लेकिन वो बकरा है किधर? इधर इधर देख, घास खा रहा है। जब तक तू वहां जाके वापस नहीं आता, तब तक एक महीने तक इसको मैं घास खिलाता रहूंगा। बोल लल्ले, तू जाने को तैयार है? चला जाऊंगा यार। रोता क्यों है? सुन लल्ले, और लल्ले, ये प्लान बड़ा कठिन है,
पढ़ा के नहीं तेरे पल्ले। ओ नटवर, छोड़ ना नटवर, मुझे लगता है डर। तू बिंदास रहे यार, तू घर में घुस के बड़ा हाथ मार। ये है वो चौधरी विल्ला। ओके, तो पैसे वाले लोग रहते हैं यहाँ, उनका रिश्तेदार बन के जाऊंगा मैं वहाँ। हाय 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 हाय। अच्छा, फैमिली में एक टिपिकल भोली भाली माँ तो होगी। तो उस घर में है खड़ूस बाप, जैसे बिना जहर का सांप। क्या कर रहे हैं अकेले बैठे बैठे? क्रिकेट खेल रहा हूँ, दिख नहीं रहा है? तो आई अपने होनहार सपूतों के साथ। क्या आपकी नहीं है? तो वहाँ पे है तीन भाई, उनके धंधे में है बड़ी कमाई। करेक्ट। उसमें बड़ा बेटा दिलीप है ज्यादा ईमानदार, बाकी दोनों भाई की है उससे टक्कर। पहले बताओ क्या प्रॉब्लम है? वही प्रॉब्लम, हर साल दिवाली उसके साथ में बोनस। भाई वो तो आ गया। अंदर लगा घटने तो खैरात लगी बटने। ये बीच वाले महेश का चालू दिमाग सट्टे में ब्लैक के धंधे में चलता है। वो बाप से कुट्टी करके एक ही घर में रहता है। देखिए बाबूजी, ये दिलीप भैया फैक्ट्री के मजदूरों को सर पे चढ़ा रखा है, बोनस छुट्टियां। अरे एक तो धंधा यहाँ घाटे में जा रहा है, इनको कह दो कि दिलीप भैया के साथ हम धंधा नहीं कर सकते। सॉरी बोलो, मेरे इस धंधे को दिलीप ने खड़ा किया है। वो जो भी है, जैसा भी है, उसूलों वाला आदमी है। तुम्हारी तरह सट्टेबाज नहीं, तुम तो मेरी जान पर भी जुआ लगा दोगे। मुझे छत पे खड़ा करके बाजार में शर्त लगाएगा कि सुनो, इस बुड्ढे को लात मारता हूँ। सीधा गिरा तो 100 का भाव, उल्टा गिरा तो 200 का भाव। इतनी छोटी गेम मैं नहीं खेलता। क्या? वाह 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 वाह, अजीब घर है यार। और सबसे छोटा बोलते बोलते अटकता है। और मैं तो कहता हूँ बाबूजी, हमारा और उनका बिजनेस में वो करवा दो। वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था भैया? क्रिकेट मैच 1947 में क्या हुआ था वो? हाँ वो ये हिस्सा बंटवारा करवा दो। दोनों भाभियाँ आपस में एक दूसरे से जलती हैं। माँ के साथ छोटी भाभी की तो मैं चलती है, समझा? बाप रे यार, ये अजीब खानदान है, इतने प्रॉब्लम। ए नटवर, मुझे लगता है डर। तू जा। सुन लल्ले, वहाँ पे है बड़े बेटे की एक लड़की। वही ना, एक पहेली सी पड़ी रहती है अकेली सी, बुझी बुझी मुरझाई। उसके लिए कितने लड़कों की ना आई, उसके जीवन में सिर्फ उदासी। लाइफ से नाराज, वो खुद से खफासी। बहुत अकेली हूँ मम्मी, तुम्हें कभी देखा तो नहीं लेकिन तुम्हारी बहुत याद आती है। जा लल्ले, तू पहुंच जा वहां कल शाम और कर दे काम तमाम। ओके ओके ओके। तो आज से संजू शास्त्री है मेरा नाम। जाता हूँ नटू, जाता हूँ। विश मी द बेस्ट बेबी, ऑल द बेस्ट। एकदम परी लग रही हो। ट्राई ट्राई टू यू सक्सीड। हाँ कैसी लग रही हूँ साड़ी में? निकाल दो साड़ी। मैं साड़ी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ, रिलायंस की। ओफो, शेयर्स छोड़ो, 6 बजने को आए, लड़का अभी तक आया नहीं। लेट कम अगेन। हेलो मनमोहन जी। सविता भाभी, सुना है लड़का बहुत गुणी है। अच्छा, सीए पढ़ा है, ऑर्केस्ट्रा में रफी की आवाज निकालता है। हाँ? और ऊपर से कबड्डी चैंपियन भी है। वाह, 3-1।
लेकिन हमारी ये राजकुमारी किसी से ठीक से हंसे बोले तब ना। अरे ऐसे तो कई आके गौन हो गए। 6 बज गए हैं। आते ही होंगे बाबूजी, घबराइए नहीं। भैया उनके पास वो तो होगा ना, वो खत पर होता है वो। सैम? अरे नहीं बाबा, वो खत पर 5-6 लाइन में लिखते हैं ना वो। हाँ वो होगा ना। बस कर सतीश। हाय एवरीबॉडी, मैं आ गया। 7 समुंदर पार, 14 घंटे का इंतजार, हजारों मील की दूरियां और जन्नाटेदार बादल बिजली को क्रॉस करते हुए, एयरपोर्ट के घने कस्टम्स को चीरते हुए, शहर के ट्रैफिक को ट्रैक ट्रैक तोड़ते हुए जूप करके मैं आ गया आप सबके सामने। लगता है आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। देखिए मैंने मैसेज भेजने की कोशिश की लेकिन नहीं, मैसेज आपका मिला था लेकिन। मैसेज मिला आपको? गुड, लेकिन मैंने भेजा नहीं। एनीवे आप लोगों के पास 500-600 रुपए के छुट्टे तो होंगे। ये लड़की देखने के पैसे मांगता है। बात यह है कि मेरे पास सिर्फ ये अमेरिकन डॉलर्स हैं और ये क्रेडिट कार्ड्स हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग दे देंगे ना पैसे। नहीं 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 नहीं, आप मत जाइए, बाबू भाई जाएगा ना। बाबू भाई? बाबू भाई, ये मेरा खास दोस्त बाबू भाई, और ये भी मेरी तरह है ना राय। बड़ा अजीब नाम है कुत्ते का, बाबू भाई। दादाजी, दादाजी भाई रोशो बेटा, क्या संस्कार है देखो। दादी जी, माय भाई, मैं तो भाभी हूँ। अच्छा है? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। दादी यहाँ है। वाह 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 वाह, आप लोगों ने क्या मेंटेन किया है, कौन किसका क्या लगता है पता ही नहीं लगता। अच्छा, आप आइए आराम से बैठिए। अभी अभी आया हूँ, जरा जाके नहा लूँ फिर। नहाना है? हाँ क्यों, यहाँ कोई नहाता नहीं क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो, हम तो रोज उसके नीचे वो क्या कहते हैं खड़े होके नहाते हैं। वो क्या कहते हैं भैया, जिसके नीचे खड़ी होके हीरोइन गाना गाती है? पेड़। पेड़ नहीं भैया, वो पानी गिरता है ना उसके नीचे। ओ, बादल बादल। अरे बाथरूम में बादल कहाँ से आएगा? शावर, उसके नीचे। अच्छा बहुत हो गया मजाक, आप बैठो, हम लड़की को बुलाते हैं। लड़की? लेकिन मैं विदाउट लड़की भी नहा सकता हूँ ना। सुनो, आओ आओ बेटी। अरे इसकी क्या जरूरत है, मैं पहले नहा लेता फिर सब मिलजुल के नाश्ता करते। अरे पहले लड़की से सवाल तो पूछो। आओ 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 आओ, बैठो बैठो, पूछो सवाल। मुझे कुछ नहीं पूछा। अरे शर्माओ मत, पूछो भाई, सब पूछते हैं। ठीक है, अगर आप पूछने पर इतना ही जोर डाल रहे हैं तो पूछ ही लेता हूँ। सुनिए, यहाँ पे बाथरूम कहाँ है? क्या हाँ? ये लड़का है कौन? अरे तुम हो कौन भाई, हैं? आपसे पूछ रहे हैं। क्या भैया, आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ? अरे मेरा और आपका तो वो क्या कहते हैं पसीने का रिश्ता है। पसीना? खून का बोलो, खून का रिश्ता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे, आप हो कौन, कहाँ से आए हो? मैं संजय, संजय शास्त्री, आप लोगों के दूर का रिश्तेदार। रिश्तेदार? लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। देखिए नत्थू राम जी को जानते हैं आप? नत्थू राम जी? अरे वो बनारस वाले जी। हा? उनका जो बेटा है ना, उनकी चाची, वो अब गंगा मौसी गंगा मौसी के बेटे का बेटा हूँ मैं। पिछले 15 साल से हमारा परिवार अमेरिका में था ना। तो सुमन का बेटा है। कितना बड़ा हो गया है। पाल है दादाजी। दादाजी याद है बचपन में मैं आपके गोद में सूसू किया करता था। बिल्कुल याद है। आज तक वो आदत नहीं गई मेरी। नहीं मेरा मतलब है बड़ों को रिस्पेक्ट करना, उनको प्यार करना। वैसे मैं हिंदुस्तान बिजनेस के लिए आया हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। बस 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 दादाजी, आपने इतना कह दिया, 2-4 महीने रुक ही जाता हूँ। दादाजी आपको चेस पसंद है ना? ये देखिए कंप्यूटर के साथ चेस, और ये आपकी स्पीच की कैसेट। वो मेंशन नोट से पहले क्या कहते हैं? थैंक यू मेंशन नोट। थैंक यू। ये देखिए माजी, आपके लिए कंप्यूटर गेम। इसका भला मैं क्या करूंगी? अरे ये ऑर्डिनरी गेम थोड़ी है। ये देखिए इसमें रामायण के सारे किस्से हैं। ये देखिए बालेकांड, युद्धकांड, न्यू ब्रांड। अरे वाह, इसमें राम और रावण का युद्ध चल रहा है। और मेरे लिए? अरे बेटा तेरे लिए बहुत ढूंढा लेकिन एक खिलौना भी नहीं मिला, लेकिन एक चीज लाया हूं मैं तेरे लिए। जा बच्चे घूम अपनी दुनिया। अरे वाह, ये देखो। लेकिन इतनी सारी चीजें लाने की जरूरत क्या थी? अरे घर में घुसने की एंट्री फीस। सो यू फ्रॉम स्टेट? या नजर रखनी पड़ेगी, मीठी छुरी लगती है। भैया वो कोई भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन आप फिर से ऐसा मत पूछिएगा कि मैं कौन हूँ। ये देखिए हमारी फैमिली की लॉकेट। ए चुप कर। हाय मेरा नाम संजू है। एक चीज कहूं मैं आपसे, जब आप मुस्कुराती हैं तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अब तक आपसे मुस्कुराई? यही तो कह रहा हूं मैं कि बिना मुस्कुराए आप इतनी अच्छी लगती हैं, जब आप मुस्कुराएंगी तब आप कितनी अच्छी लगेंगी। अच्छा
अच्छा नहीं अच्छी अच्छी लगेंगी आप। वैसे नाखून चबाना बहुत बुरी आदत है, इससे आंखें कमजोर हो जाती है। ओ, ये तो अच्छी बात है कि मैंने अपनी आंखें नहीं चबाई, वरना मेरे नाखूनों का क्या होता। वैसे तुम स्वीट तो हो नहीं, स्वीट बनने की कोशिश अगर बंद कर दोगे तो कितने स्वीट लग सकते हो। सुनिए, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट तो नहीं लाया, लेकिन एक गिफ्ट दे सकता हूँ, मुस्कान। अरे मेरी बात, I'm a baby girl. सुनिए, पहले ये ढक्कन खोल दीजिए। Sure, darling. जल्दी करिए। ओह, मुझे लगता है ये वो हो गया है। क्या वो हो गया है? वो ब्रेड पर क्या लगाते हैं? जाम। जाम हो गया है साला। लाओ लाओ मुझे दो। लो। आप भी। अरे ये लो। देखा कितना इजीली खोल दिया, आप एक काम भी ठीक तरह से नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे झगड़ों की सिर्फ एक ही जड़ है। कौन सी? जब आदमी 35 साल का हो जाता ना, तो मोटा हो जाता है, भद्दा हो जाता है। और औरतों को चाहिए आदमी जो स्मार्ट हो, हैंडसम हो। ये क्या है? ये है क्या? देखो है क्या? पेट पेट अंदर करो। लेकिन कैसे करूं? सांस अंदर लो। सांस अंदर? कम ऑन। और एक मिनट। और शक्कर? और ये क्या हुआ? घुट रहा है। वो चर्सी लोग लेते हैं ना, दम घुट रहा है। अरे बीच बीच में सांस भी लिया करो। अरे तो बोलना चाहिए ना। हेलो, हाँ नेटवर्क। अरे मेरे पैसे कब ट्रांसफर होंगे? व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या एक महीना लगेगा? मेरे अपने पैसे अपने देश में आने के लिए एक महीना लगेगा? अरे $10 मिलियन तैयार है, प्रोजेक्ट तैयार है। ये सच कह रहा है या यूं ही पतंग उड़ा रहा है? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये आदमी तो हिमालय पर जाकर बर्फ भेजा है। लेकिन हिमालय पे तो बर्फ है भैया। चुप कर रहे। Now, please don't disturb me. नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, एक मिनट। कुछ खबर है आप लोगों के लिए, बाटली वाला साहब आ रहे हैं एनी मोमेंट। मर गए। वो बाटली वाले के इश्तेहार का आइडिया तैयार नहीं करवाया ना, बिजनेस दोस्त रहा है। जब कभी 10-20 लाख की जरूरत होती है उठा कर दे देता है, वो भी बिना ब्याज के। काम को टालते क्यों? सॉरी भैया, वो क्या मेरे उससे ही निकल गया। वो क्या कहते हैं, साधु लोग सुबह क्या करते हैं? ध्यान से ही निकल गया। आजकल तुम बहुत वो हो गए हो, वो लापरवाह। हाँ लापरवाह। अब कैसे फटाफट मुंह से निकला? अब झेल ना उसको, आ रहा है वो। उठो, आओ बुचवाला नहीं बाटली वाला। वही कह रहा था। अरे मैंने तुम लोगों का लाखों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, इतना फायदा कराया, मेरा इतना सा काम नहीं करोगे? अरे मेरी अंडरवेयर का इश्तेहार कभी तैयार होगा? अरे हो जाएगी पब्लिसिटी, डोंट वरी बाटली वाला। अरे कब? जब अंडरवेयर पहनने का फैशन चला जाएगा तभी। अरे डरते क्यों हो, आइडिया रेडी है, ये देखो। अरे कोरोना का देखो, अगर बाटली वाला को बाटली के अंदर करना है ना, तो मैं कहानी शुरू करूंगा, तुम लोग बढ़ाते रहना। वाह वाह वाह, क्या आइडिया है। अच्छा आइडिया है। क्या आइडिया? क्या है मेरे को तो बताओ। देखो एक घना जंगल है, उसके अंदर एक दूसरा जंगल है, उसके आगे तीसरा जंगल है। मैं चौथा बोलूं? कल बोलना, सारा जंगल ही जंगल है। अरे जंगल में जंगल नहीं होगा तो क्या फॉरेस्ट होगा? एक भयानक गुफा है। हाँ, और उस भयानक गुफा में भयानक जंगली लोग रहते हैं। और उन जंगली लोगों ने कुछ नहीं पहना, उनके बदन पर सिर्फ छोटे छोटे वो लटकते हैं। वो क्या लटकता है? वो जो डाली पर लटकते हैं ना। बाबा बाबा, बंदर ना? नहीं। अरे बदन पर बंदर लटकता है? नहीं नहीं, बंदर नहीं। वो भैया डाली पर वो क्या हरे हरे लटकते हैं? पत्ते लटकते हैं। और उन लोगों ने सिर्फ पत्ते पहने हुए, सिर्फ एक पत्ता आगे। जंगली गरीब हो तो एक पत्ता, जंगली अमीर हो तो दो पत्ते। दो पत्ते की, एक आगे एक पीछे। और उन खूंखार जंगली लोगों के बीच एक शुरू होता है टेंडर लव, मोमेंट ऑफ लव, म्यूजिक। शेर मेरे
मेरे को डर लगता है। कुत्ता चलेगा? कुत्ता इससे डरता है। मतलब कुत्ता भी नहीं चलेगा, शेर भी नहीं चलेगा, तो फिर बाटली वाला वो चलेगी? हाँ वो चलेगी, लेकिन कैसी है वो? वो काली काली। काली क्यों, गोरी क्यों नहीं है? वो गोरी नहीं होती है ना, वो काली काली जो डाली डाली पर लटकती है। वो डाली पर लटकती है, मेरे को कैसे चलेगी? अरे वो चलानी पड़ेगी ना। वो भैया क्या होती है वो काली काली? कुकू, कोयल। कोयल? कोयल। हाँ हाँ कोयल, आई लव कोयल। फिर एक कोयल बोलती है, इतने में जंगल में सन 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 साए साए हवा चलती है। और अचानक जंगल में वो होता है। हाँ, वो क्या होता है? वो जिसकी वजह से लड़का लड़की से चिपक जाता है ना। सेक्स? नहीं, वो भैया वो बारिश में क्या होता है? छाता। जिसकी वजह से छाता उड़ जाता है वो। तूफान, तूफान, तूफान होता है। और उस आंधी तूफान में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उन जंगली लोगों के बदन से सारे पत्ते उड़ जाते हैं। और फिर दिखाई देता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट? मेरा प्रोडक्ट? यस, नेचुरल अंडरवियर। जंगली से लेके जांबाज तक सबकी पसंद नेचुरल अंडरवियर। क्या आइडिया है, जंगली से लेके जांबाज तक मेरा प्रोडक्ट नेचुरल अंडरवियर, सबकी पसंद। मेरे दिल खुश कर दिया, मैं लेट हो रहा है। मैं तेरे को एक बात पूछ रहा, तू भूल ही गया। वो लास्ट टाइम तेरे को लोन दिलवाया था ना, लेट हो रहा है ना? मैं लेट हो रहा है। एक मिनट में सब बाटली वाला, आप पैंट के नीचे कौन सी कंपनी का अंडरवेयर पहनते हैं? एक्चुअली दिख रहा है, मैं पैंट के नीचे कुछ भी नहीं पहनता हूँ, कुछ भी नहीं। कमाल कर दिया तूने, तो हमारा काम कर दिया। मेरा काम? सदा विमुक्ति साधकम् कलाधरावतम् सकम् विलासि लोकरक्षकम्। बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है? क्या क्या क्या? कभी बिना पानी का समंदर देखा है? नहीं। रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता कैसे दिखता है? कैसा कैसा कैसा? वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी। ए, 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 क्या लगा रखा है ये सभा? क्या लगा रखा है? बोर हो रहे यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार। हे शिवानी, तू लगती है नानी, तू आइटम पुरानी। हे हे शिवानी, हे शिवानी, बोरिंग है तेरी जवानी, बताना दीवानी थोड़े में द्वारा क्यों बजे है बोल। हे शिवानी, तू फ्लॉप है कहानी, खड़ू खानदानी। हे शिवानी, हे शिवानी, तू पीती है पानी है। हे शिवानी, हे शिवानी,
जाए। भूत अगर देखे तुझे तो वो भी डर जाए। तू इतनी थकेली, तू इतनी पकेली, अकेली अकेली दौड़े तो भी रे हार जाए। वो ए शिवानी तू लगती है नानी, मरम्मत मांगे तेरी ये जवानी। बातें छिछोरी बन के टपोरी लेवल ना गिरा। लाइफ है ये मेरी, स्टाइल है ये मेरा, तू मुझको ना सिखा। अरे किसने कहा है कि हर लड़की को यूं लटके यूं छटके नशे करके जीना ही पड़ेगा बोल। ए शिवानी तू लगती है नानी, बनेगी कब रानी। अमेरिका में तुम कहाँ रहते थे? व्हाइट हाउस। वहाँ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहता है। व्हाइट हाउस के बिल्कुल पीछे वो जो गली है ना, देखिए मेरा जो घर था ना व्हाइट हाउस के बहुत करीब था। गिल्ली डंडा खेलते खेलते गिल्ली व्हाइट हाउस के गार्डन में गिरती थी। एक दिन क्या हुआ दादाजी कि मेरी गिल्ली उड़ के सीधे चाय के कप में गिरी। प्रेसिडेंट क्लिंटन के? हाँ हाँ प्रेसिडेंट क्लिंटन के। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने गिल्ली निकाल कर फेंकी और चाय पी ली। बस बस हा? अरे दादाजी फिर बस, ऑटो रिक्शा ट्रेन पुलिस जो मेरे पीछे भागी है जो भागी है, मैं भागते भागते सीधा कनाडा में पहुंच गया। कनाडा? और वहां बिजनेस शुरू कर दिया। कनाडा में कौन सा बिजनेस किया? वड़ा पाव। कनाडा में वड़ा पाव? एक वड़ा लो तो पाव फ्री हिट। फिर दूसरी जगह मैंने ये स्टार्ट किया कि एक पाव लो तो वड़ा फ्री सुपर हिट। कैसे? फिर मैंने एक बोर्ड लगा दिया कि एक डॉलर में चटनी लो तो वड़ा पाव फ्री। लेकिन बेटे तुम हो तो सुमन के ही बेटे हैं। मम्मी को भी वड़ा पाव बहुत पसंद है। जब वो मरी ना तो गंगा घाट पर मैंने 400 पंडितों को 4000 वड़ा पाव खिलाए उनकी मन की शांति के लिए। ब्राह्मणों की? मम्मी की। इंसान मर जाता है, रह जाती है सिर्फ यादें और वड़ा पाव। तुम ये बताओ कि तुम तो सुमन के ही बेटे हो ना। ये लो चेक और ये मेट। दादाजी आपका ध्यान कहाँ है? अपनी शिवानी के बारे में और क्या, परसों उसे देखने के लिए लड़का आ रहा है, पता नहीं क्या होगा उसका। नहीं नहीं पसंद नहीं। और पार्टी डिस्को वगैरह कुछ? नहीं नहीं जाती ऐसी जगह पर मैं। ऑल राइट, तो फिर आपको अच्छा क्या लगता है? कुछ नहीं। क्या जी? प्लीज देखिए और कुछ पूछना है आपको? अरे मिला है शिवानी से बेटा? जी हाँ मिल लिया और अपना वक्त भी बर्बाद कर लिया। हाँ कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे नहीं देना इंटरव्यू किसी लड़के वड़के को, पर नहीं फिर भी ऐसे बैल की तरह रेडी करके बिठा देते हैं सामने, फिर वही सवाल वही जवाब। हाँ, मैं जैसे दिखती हूँ ना वैसे ठीक हूँ, नहीं देना है मुझे इंटरव्यू। तुम लोग खड़े क्या सुन रहे हो, चलो भागो ऐसे भागो। अरे मेरे मायके वालों के सामने तो मेरी नोज कटवा दी इसने। और नहीं तो क्या? क्या हुआ है तुझे शिवानी, क्या दुख पड़ा है तेरे सर पे? हर बार वही ड्रामा। हाँ। हमेशा हमेशा कहिए। अरे लोग तो यही कहेंगे ना कि बिन माँ की बच्ची को आंटियों ने लगाया। हर बार बिन माँ क्या लगा रखा है, तुम चुप रहो। क्या मैं मेरे को कुछ मत बोलो, घर में ये लड़की बिजनेस में दीदी भैया कुछ नहीं बोल सकते हम कुछ नहीं। मेरा नाम क्यों घसीटते हो, हर बात में मेरा नाम घसीटते हो। अरे चुप भी करो मेरे जीते जी, मत चिल्लाओ तुम लोग। सर पे चढ़ाया है इनको, यूनियन वाले सर पे नाच रहे हैं हमारे, इनकी वजह से
नंदा चुप, हटा दो इन कीड़े मकोड़ों को। देखो कैसी बादारू बातें कर रही है। हाँ हाँ बादारू है ना हम लोग, हमें ऐसी बातें करने आती है। घर छोड़ के जाए? अरे चुप भी करो, मैं अभी मौजूद हूँ, मेरे सामने का मत लो तुम लोग। 3 साल से इस घर का खर्चा चला रहा हूँ मैं। अच्छा और कुछ नहीं? तू चला रहा है। शिवानी तुम अंदर जाओ बेटे। लेकिन एक बात ठीक से सुन लो वरना वो। अरे वो छोड़, पहले ठीक से बोल ना सही। अरे बस करो, आज ही फैसला हो जाना चाहिए, बिजनेस कौन संभालेगा। अच्छा तू फैसला चाहता हूँ? मेरी आंखों में आकर डालकर पूछ। अरे अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो आपका अपमान हो जाएगा। तू मेरा अपमान करेगा? हाँ करूंगा। तू मेरा अपमान करेगा? प्लीज मत झगड़ा कीजिए मेरे साथ, प्लीज मत झगड़ा कीजिए। इमरजेंसी कॉल फॉर डॉक्टर पाठक, प्लीज कम टू द कैटरिंग हॉल। हेलो कौन? लल्ले। अरे क्या मर गया तेरा लल्ले यार, कहाँ भेज दिया तूने मुझे, फंसा दिया ना तूने मुझे। लल्ले मेरी बात सुन। अरे ये कड़की फैमिली है यार, अरे रुकना तो छोड़, खून चूस लिया है मेरा यार। कुछ नहीं बोलने का। देख मैं काम नहीं कर सकता। कुछ बोलने का नहीं। अबे ओ खुजली के सफर रोशन, हमारे पैसे दे दे वरना तेरा खून ही नहीं किडनी भी निकाल लेंगे। हे नटवर, तेरी आवाज को क्या हो गया यार? नहीं नटवर को आजमौला दिया है, उसका पेट तो साफ हो गया लेकिन गला खराब हो गया। क्यों? जोगी सर मैं आप ही का काम कर रहा था, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओए वीआईपी के बनियान, भेजे मेरे झाड़ू मार के गोबर निकाल। और सुन, ये तेरी मुन्नी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। दिल तो करता कि मार ही डालूं क्या, लेकिन चलो अभी वेट कर ही लेते हैं, वरना मारने में कितना टाइम लगेगा। जोगी सर प्लीज उसको कुछ मत कीजिए, प्लीज मैं आपका काम कर दूंगा। तुझे महीने की मोहलत दी है, महीने के अंदर काम हो जाना चाहिए, वरना क्या है खून खराब हमें भी बिल्कुल पसंद नहीं है ना। लेकिन क्या करे, गरीबी साली बहुत बुरी चीज है ना, समझा तू? हाँ मरवा दिया ना तूने मेरे को यार, अब सारी जिंदगी एक किडनी से मैं कैसे सोचूंगा। ये लोग तेरे को छोड़ेंगे नहीं, अगर तू घर से बाहर निकला तेरे को उड़ा देंगे, अगर घर में रहा तो घर उड़ा देंगे। एक काम कर, तू वहीं पे बैठ के माल निकालने का सोच, अगर उस घर में माल है तो पड़ोसियों को लूट, रिश्तेदारों को लूट, नारिश्ता बना कुछ भी कर, लेकिन माल लेके निकल। तू सुन रहा है ना, समझ रहा है मेरी प्रॉब्लम? समझ गया नटवर, समझ गया, कुछ करता हूँ। लेकिन मेरी बात सुन, उन लोगों को यहाँ का एड्रेस मत देना प्लीज, ओके? नया रिश्ता। मैं क्या कह रहा हूँ, तू सचमुच यहाँ बिजनेस चालू करके सेटल होना चाहता है? ओके, इंडिया में बिजनेस चालू करना इतना आसान नहीं है। कह रहे कि तुम्हें पता नहीं यहाँ धंधा एस्टेब्लिश करने में बहुत मगजमारी करनी पड़ती है। जगह का प्रॉब्लम, पावर, लाइसेंस के वांदे। इससे अच्छा तू हमारे धंधे में पैसे क्यों नहीं लगाता? देखो चार आने भागीदारी है, साल में डबल पैसा। क्यों हम पर भरोसा नहीं क्या तुम्हें? अरे महेश भाई क्या बात कर रहे हैं, भरोसा है पैसा नहीं है ना। वो बात ये है कि मेरा जितना भी पैसा है ना वो अमेरिका के बैंक में जमा है, और मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे भरोसे रहें। अरे उल्टा तो मैं ये चाह रहा था कि आप मेरी मदद करेंगे ना। लेकिन क्या करें, हमारा सब पैसा धंधे में अटका है ना, नहीं तो। महेश भाई एक आदमी हमारी मदद कर सकता है। कौन? शिवानी हमारी मदद कर सकती है। शिवानी हमारी मदद धंधे में? ये सिर्फ 5 बार पढ़िए, ये पढ़ने चाहिए। ओहो क्या पढ़ रही हो? गांधी जी की आत्मकथा। अच्छा किसने लिखी है? गांधी जी ने। तुमसे मतलब? ये बाबू है तुझसे कह रही है। गुंगे जानवर का मजाक मत उड़ाओ इस तरह। जी 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 मैं आपको गुंगा कह सकता हूँ लेकिन जानवर नहीं। लीव मी अलोन। वाह 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 क्या भयंकर टाइटल है, खुद मुस्कुराओ तो दुनिया मुस्कुराएगी। अरे ये क्या है, 30 दिन में सेक्सी बनो?
30 दिन में स्मार्ट बनो लिखा है तो क्या फर्क पड़ता है सेक्सी या स्मार्ट? कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मालूम है मुझे सब, सब लड़के ना। देखो तुम 30 दिन क्या 30 महीने से ये किताबें पढ़ रही हो, तुम सेक्सी हो नहीं, तुम स्मार्ट हो नहीं, तुम वैसे ही बोरिंग की बोरिंग हो ना। देखो अपने बारे में पूछा है मैंने तुमसे तो पूछो, अरे पूछो, कम ऑन। देखो मैं संजू, NRI, नॉन रिलायबल इंडियन। देखो मुझे तुम इस तरह परेशान मत करो, तुम चले जाओ नहीं तो मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी। तुम चिल्लाओगी? चिल्लाने वाली हूँ मैं सबको बुला के बराबर तुमको मैं। प्लीज गो, प्लीज गो, प्लीज। देखो चिल्लाओ ना, दा दा दा। तुम मुझे गुस्सा मत, तुम मुझे। अरे फेफड़े में आठ आने का दम नहीं और जेब में 100 ग्राम की कॉन्फिडेंस नहीं और कहती है चिल्लाएगी, मैं दिखाता हूँ कैसे चिल्लाते हैं। एक मिनट, मेरी किताबें, डोंट टच देम। तुम मेरी किताबें जला रहे हो, यू कांट डू दिस। ये देखो ये क्या है मालूम है, मैं कचरा जला रहा हूँ, कचरा। ये जो 20 साल से तुम ये भूसा अपने दिमाग में घुसा कर बैठी हो ना, ये ढोंग, ये पन्ने, इन किताबों से बाहर निकलो शिवानी। मेरे रूम जल जाएगी। अरे तू रूम से बाहर निकलो। चलो उठो और चलो इस पे बिंदास, वरना धक्का मार दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारी मुक्ति। नहीं चाहिए मुक्ति, नहीं चाहिए। देखो मैं गिर जाऊंगी। अरे गिरना है तो प्यार में गिरो, अपने प्यार में शिवानी। मैं मर जाऊंगी। अरे अभी भी कहा जिंदा हो। देखो शिवानी मैं तुम्हारे अंदर से डर निकालना चाहता हूँ। देखो मैं भी चल रही हूँ यहाँ से। तो मैं हूँ ना थामने के लिए। पागल हो तुम, पागल हो एकदम। हाँ तुम्हारा, आई मीन मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। देखो शिवानी सांस लो खुलकर और अपने हाथ फैलाकर अपना नाम लो, इस आसमान को भर दो अपने नाम से। देखो देखो लोग देख रहे हैं वहाँ से, देखो। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि लोग तुम्हें देखें, तुम्हें पसंद करें। कैसा लग रहा है ये टेंशन, ये थ्रिल? अच्छा लग रहा है। कम ऑन, चीखो जोर से, कम ऑन। अरे संजू नहीं शिवानी, जोर से, कम ऑन शिवानी, शिवानी। तुमने तो मुझे मार दिया, जिंदा कर दिया। देखो अच्छा लगा ना? देखो शिवानी खतरों से लड़ो, यही तो लाइफ है। ओके स्माइल। अरे वाह, तूने तो मेरे कैक्टस में खुशबू ला दी। गुलाब में से कांटे निकाल रहा हूँ। अरे अरे सोडा तो डालो, नीट है। ज्यादा नहीं थोड़ा चाहिए, जब विस्की मिले तो काई को सोडा चाहिए है? क्यों बदलू मैं किसके लिए? कोई पसंद करे करे, ना करे ना करे, इनफ। देखो शिवानी मेरा एक लेटेस्ट आइडिया है। ए प्लीज रहने दो, तुम्हारे टार्जन छाप आइडिया। कभी छत से धक्का, कभी किताबों की होली, और अब अचानक कहते हो मैं बाल कटाऊं और मिनी स्कर्ट पहनूं। ये हो क्या सब? क्या है ये, क्या है सब? ये कोई तरीका है लड़कियों से पेश आने का? पागल मैं तुम्हें चांद दिखा रहा हूँ और तुम मेरी उंगली की गलती निकाल रहे हो। चांद को देखो, उंगली को नहीं। तुम ना बहुत चालू हो तुम। थैंक्स, किसी ने तो मेरी सच्ची कदर की। पकड़ो 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 पकड़ो, ए, पकड़ो उड़ ए, जाएगा। क्या है? सपना है, मैं तुम्हें सपना दे रहा हूँ। एक दिन तुम बहुत खूबसूरत बनोगी। सच? अरे फकीर की जबान, तेरी आंखें तीर कमान, बिलीव मी। तुम हैप्पी बर्थडे की नरम नरम मीठी मीठी केक हो। इस कमीनी दुनिया में तुम ही एक भोली भाली नेक हो। दुनिया के सारे शास्त्र, सारी किताबें, सारे कंप्यूटर्स एक तरफ और तेरा शर्माना एक तरफ। अरे तू एक बार शर्मा कर हंस देना तो दुनिया के सारे लड़के ऐसे गिर जाएं जैसे 5 साल की गवर्नमेंट 5 दिन में गिर जाए। सच कहता हूं शिवानी, तुम एक बार मेरी नजर से देखो, तुम बहुत खूबसूरत हो।
बेटे क्या देख रहे हो? नहीं माजी, कुछ नहीं देख रहा, मुझे कुछ भी निकल के दे दो ना। देख ले बेटा देख ले, आजकल ऐसी असली चीज कहाँ देखने को मिलती है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेगा। क्या क्या क्या? नहीं माजी, मैं कह रहा था कि कुछ दिनों के बाद ये भी शिवानी के गले में होगा ना। ये ले जा, इसे देख। ये गहने शिवानी थोड़ी पहनेगी, ये तो ओल्ड फैशन है माजी। आइडिया कैंसिल। आइडिया कैंसिल? बिल्कुल। क्यों माजी? ये जो है ना, रत्ना भाभी को दे दो ना। उसे क्यों दूं? वो तो है एक नंबर की भोली। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ माजी, भोली है बेचारी। कह रही थी, अरे दूसरों की घर की छोड़ो, मुझे अपने ही घर में कोई वैल्यू नहीं देता। देखो ना, दिन भर कितना भी कुछ करो, माजी का मुंह तो हमेशा चढ़ा रहता है। जब से इंदौर से आई है ना ब्याह करके, तो यहाँ उसका कोई नहीं है ना माजी, सिवाय आपके। और वो क्या बोल रही थी, वो बनाती वो खट्टा अचार। अरे वो तो हमारे इंदौर की स्पेशलिटी है। वही तो ना भाभी, आंख में आंसू आ गए थे माजी। कह रही थी कि अगर मैंने माजी को अचार दिया ना, तो माजी को लगेगा कि वो आपको मस्का मारी। मेरे लिए खट्टा अचार? ना ना ना, ऐसा उसके दिन में मेरे लिए कुछ नहीं है। बाजार से 100 ग्राम ला के दे दो ना बुड्ढी के हाथ में, बात खत्म। नहीं नहीं, बाजार से क्यों, मैं बनाती हूँ ना अपने हाथों से, मैं बनाती हूँ। पक्का? कच्चा, कच्चे आमले का बनता है वो खट्टा अचार। माजी, उसने आपको अचार बनाकर दिखा दिया ना, आप अपने अचार विचार दिखा दीजिए। डार्लिंग, अरे तुम क्या बना रही हो? खट्टा अचार। खट्टा अचार? मतलब हमारे घर में वो आने वाला है? कौन वो? अरे वो जो गोद में सुसु करता है, जिसको 3-3 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, रात को वो नींद से जाग जाता है तो उसे सुलाने के लिए वो लोरी सुनानी पड़ती है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हा? ये अचार मैं माँ जी के लिए बना रही हूँ। माँ के लिए खट्टा अचार? माँ को इस उम्र में? ओहो, फिर तो माँ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे बाबूजी के साथ बात करनी पड़ेगी। डार्लिंग क्या कह रहे हो, बाबूजी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मतलब बाबूजी को ये बात पता नहीं? अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? ओ समझा, माँ बाबूजी को सरप्राइज देना चाहती है। समझ गया। ओहो, माँ जी को बच्चा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता, मैं हुआ, दिलीप भैया हुए, वो बड़े भैया क्या नाम है उनका, वो हुए, 3-3 तो एग्जांपल है तुम्हारे पास। अरे ऐसे कुछ भी नहीं है, ये अचार तो मैं यू ही खाने के लिए बना रही हूँ। ओ यू ही बना रही हो? हाँ। मैं तो कुछ और ही समझा। बहू अचार का तो? माँ संभल के। क्या संभल के? क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। पागल। क्या माँ जी? ये अरे रत्ना भाभी देखो ना, माँ जी ने क्या लाया तुम्हारे लिए। क्या लाया है? ये तुम्हारे लिए, मैं तिजोरी देख रही थी, मुझे लगा ये तुझ पर बहुत जचेगा। नहीं माँ जी, ये शिवानी के लिए बना है, ये मैं नहीं ले सकती माँ जी। अरे पगली, शिवानी के लिए सब नया बनेगा ना। हाँ दे दो ना माँ जी। ये दो दो चाचा क्यों बैठे हैं, किसके लिए कमाते हैं? अब किसके लिए कमाते हैं वो मुझे पता नहीं। हाँ दिलीप भाई ने अभी तक कुछ क्लियरली बताया नहीं, तू कहे तो मैं पूछ के आऊँ। क्या अभी? माँ जी ये अचार मैंने बनाया है, खट्टा अचार, बहुत दिनों के बाद बनाया, पता नहीं नमक वगैरह ठीक से पड़ा है कि नहीं, आप टेस्ट करके देखेंगी? खास आपके लिए बनाया है। मेरे लिए बनाया है? बहुत मजे का बना। हाँ अच्छा लगा। अरे तुमने तो मुझे स्कूल की बातें याद दिलाती। हाँ? एक मेरी सहेली होती थी मीना, वो मेरे लिए ढेर सारा चार लाती थी, मुझे पसंद है ना उसे मालूम था, और मैं खूब खाती थी। एक दिन टीचर ने हमको पकड़ लिया। और ये तुम्हारे ससुर है ना, कुछ कम नहीं है, मीना के पीछे पड़े थे वो भी। क्या कह रही हैं आप? मगर तुझे क्यों बता रही हूँ? क्यों माँ जी, मैं आपकी सहेली नहीं बन सकती? इतना ये जरा मुझे पहनकर तो दिखा, बहुत सुंदर है देखिए। अरे संजू, अरे यार तूने तो वो करके दिखाया। क्या? अरे वो साधु बाबा करते हैं ना वो चोरी। अरे नहीं चोरी क्यों करेंगे, वो हवा में राख बाग डालते हैं ना वो। चमत्कार करके दिखाया। सास और बहू, I can't believe this। तुम्हें बदलना होगा शिवानी, ये लेडीज फैशन क्या है तुम्हें समझना होगा। लेडीज फैशन का मतलब है सेक्स और संस्कार की कशमकश। थोड़ा बदल दिखाओ, थोड़ा ढकाओ, थोड़ा दिखाओ, थोड़ा ढकाओ, ढक के दिखाओ, देख के ढकाओ, ढकाओ दिखाओ, ढकाओ दिखाओ, बस बस ये। और कोई वैरायटी है क्या? अरे जितना था सब दिखा दिया, जो वैरायटी नहीं थी वो भी दिखा दी, अब ये पहने हुए बच्चे तो उतार दो। ओके। मेरा मतलब है ये जो दुकान का बोर्ड है ना उसे उतार दो। आप हमें एक मौका और दीजिए। देखो आप मुझे एक ड्रेस और दे दो, आधा भी चलेगा। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती ना
तो ऐसा ड्रेस नहीं पहनने देता। तो फिर कैसा ड्रेस पहनने देते? वैसा। Old and the beautiful. मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये ड्रेस हरगिज़ नहीं पहने दूंगी, सॉरी। जब मुझे प्रॉब्लम नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम नहीं, बाबू भाई को प्रॉब्लम नहीं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? मुझे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये ड्रेस हरगिज़ हरगिज़ नहीं पहने दूंगी। पर क्यों? नहीं पहन सकती। लेकिन क्यों नहीं पहन सकती? क्योंकि इसे मैं पहनूंगी। बाबू भाई, क्या लड़की है यार, एसिड है एसिड। देखा, 6 बज गए, ये शिवानी अभी तक कमबैक नहीं हुई। सविता भाभी, आपकी एमटीवी बेटी तो कल सुबह 6 बजे लौटी थी डिस्को से दूध वाले के साथ साथ। थिंक दैट। तेरी बेटी को बड़ी होने दे, वो तो घर वापस ही नहीं आएगी। थिंक दैट। गोल काट गोल। दादाजी, अरे ये क्या हुआ? संजू बेटा, संजू बेटा, क्या? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो दादाजी। क्या हुआ बेटा? शहर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, एक बड़ा धमाका हुआ है। कहाँ बेटा? एड्रेस बताने का टाइम नहीं है। पानी 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 पानी, बिस्लरी 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 तो नहीं है। सादा चलेगा, सादा चलेगा। दादाजी बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी सारी जायदाद बाबू भाई को दे देना। बाबू भाई को? लेकिन संजू, तुमने तो मेरा वो तो बना के रखा है ना। क्या? अरे वो लोग बना के तकिए के नीचे छुपा देते ना, वो चादर। अरे नहीं, चादर नहीं बाबा, वकील के पास लिखवा दे और बाद में मरने के बाद कोर्ट में दिखा दे ना। विल तो बनाया है ना। विल? हाँ, मेरे विल बाबू भाई के वो पे बांध दिया। बाबू भाई के मुंह पे बांध दिया, मतलब जो हर कुत्ते के पीछे होता है ना, टेढ़ा सा। लेकिन बाबू भाई की दुम कहाँ है संजू? समझ गया समझ गया। माँ जी, वो जो पहली वाली शिवानी थी ना, टरी टरी बुझी बुझी सेमी सेमी सी, वो हमें छोड़ के जा चुकी है। अब उसे कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। संजू, शिवानी शिवानी, अरे बात को पूरी करके जा। हे भगवान, संजू को वापिस ला, वापिस ला संजू। सतीश, भगवान ने तेरी सुन ली है। ओह, शिवानी हमें छोड़ के जा चुकी है। आप लोग देखना चाहते हैं? अरे लेकिन वो जा चुकी है तो फिर कैसे दिखाएगा? अरे देखना पड़ेगा। वो देखो, नहीं ऐसे नई जिंदगी में कदम रख रही हो, संभल के रखना। अच्छा, मेरे संभलने के दिन तो गए, अब आप अपनी सोचिए। मुझे नहीं लगता है रंग ऐसे उतरेगा। शिवानी जीती रहे। शिवानी, तुम तो एकदम न्यू रिफाइंड पैक में हो। चेकमेट कर दिया सबको। एकदम खिल गई है। जिंदगी में पहली बार मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी चाहिए। करेक्ट। पर मैं हार मान चुकी हूँ, मुझे नहीं करना है ये सब कुछ, ये इंटरव्यू विंटरव्यू, मुझे कुछ भी नहीं करना है। प्लीज, थैंक यू, बाय बाय। एक मिनट, ड्रेस करते ना, मैं लड़का तुम लड़की। ये तो मालूम है। अरे मैं वो लड़का हूँ जो तुम्हें देखने आया हूँ, तुम शिवानी मैं रानी। ओके, कम ऑन, लेट्स रेस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ओके, ये क्या हुआ तुम्हें? अरे अभी तुम्हारे सामने उछल रही थी, अभी क्या हुआ? हाँ तो तुम्हारी बात और है ना, तुम थोड़ी कोई और हो, तुम्हारे पास डर नहीं लगता, तुम्हारे पास तो बल्कि अच्छा लगता है। मगर उस अनजान लड़की के सामने अगर मुझे कुछ बोलने का नहीं आता, मैं उधर बैठ जाते,
इंटरव्यू में कुछ ना सूझे तो स्माइल कर लेना और बीच बीच में आंख मार देना ऐसे। हाँ कैसे, फिर से करो, फिर से करो। ऐसे ऐसे ऐसे। अब दूसरी आंख से करो। देखो लड़का जीतना बहुत आसान है। मैंने अपने पिछली 6 गर्लफ्रेंड से यही सीखा है, प्यार जीतने के 7 स्टेप। मैं तुम्हें 6 सिखाऊंगा, 7 बार तुम अपने आप सीख जाओगी। अपने आप? अच्छा तो गुरुजी सिखा दो ना, लड़का जीतना, दिल हारना। स्टेप नंबर 1, 2, 7। Census index of romance and sex is kissed between free economy third world country on Valentine's Day with food and Marty and Andre Agassi. La 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 la. विश्व विश्व के दिल बिल्कुल आजमा ले ये फॉर्मूले, विश्व विश्व के दिल बिल्कुल नाटक नखरे और अदाए, कुछ तो है कुछ हम दिखलाए। सुनो 3 दफा जब पूछे नाम, आह भरी और बोल दिया, यो बतलाना जैसे तुमने कोई खजाना खोल दिया। आजमा ले ये फॉर्मूले, नाटक
चाहिए। शिवानी, शिवानी, शिवानी कहाँ है? क्या है शिवानी? चलो संजू हम सबको मेहंदी लगा रहा है। ए, मुझे नहीं लगानी मेहंदी। मेहंदी? अरे ले दीदी लगा ना मेहंदी। अरे हाथ धोना शिवानी। अरे ऐसा डिजाइन बनाऊंगा ना कि वो लड़का है ना जिंदगी भर के लिए हाथ थाम लेगा तू। हाँ। मैं तुम्हें अपना हाथ नहीं दूंगी। अरे शिवानी दे दो ना अपना हाथ। चलो दो ना। देखो वैसे भी तुम मुझे नहीं रंग सकते। मैं रंग ला सकता हूँ। चैलेंज ठीक है। तुम्हें मेरे हाथ चाहिए। हाथ चाहिए दो ना। तो ले लो ना। दो ना ले लो संजू। अरे अरे शिवानी शिवानी देखा रंग नहीं उतर रहा है ना हाथों से। आखिर रंग ही डाला ना मैंने तुम्हें। क्या कोई इंसिडेंस है? एक तरफ इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की मैच और एक तरफ शिवानी का इंटरव्यू। इंडिया के पास जीतने के लिए कोई जोश नहीं और शिवानी के पास लड़के का दिल जीतने के लिए कोई होश नहीं। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। होगा होगा। क्या होगा? कुछ अरे होगा, होगा। इंडिया भी जीतेगी और शिवानी भी पास होगी। लगी शर्त? लग गई। ये ले 5000 रुपए की शर्त। इंडिया का भी कुछ नहीं होगा और शिवानी का भी कुछ नहीं होगा। मैं कहती हूँ इंडिया भी जीतेगी और शिवानी भी जीतेगी। मेरी लग गई 1000 रुपए की शर्त। ये लो मेरे 2000। शिवानी का कुछ नहीं होगा। ये मेरे 200 रुपए। 500 का लगाओ। दादाजी का 500। इंडिया की टीम तो जीतने से रही और शिवानी का तो भगवान ही। क्या 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 कह रहे हैं आप? थोड़ी देर पहले तो आप शिवानी को आशीर्वाद दे रहे थे। कैसी बात कर रहे हैं? I'm sorry, मैं तो भूल ही गया। मेरी हालत तो बिल्कुल भीष्म पितामह जैसी हो गई। सुन लो भीष्म पितामह की, भीष्म पितामह के 3-3 बेटे थे मुझे आज ही पता चला। बाबूजी आपका नाम भीष्म पितामह है? लेकिन स्कूल में तो हम दीनानाथ लिखवाते थे। हाँ आपने अभी तक हमें बताया नहीं। अरे चुप कर। मेरा मन तो कहता है आज सब शुभ शुभ होगा। अरे शिवानी इतना सॉरी 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 मैं तो इट्स ओके। कैसे लग रही हूँ मैं? ये सेट ठीक लग रहा है ना? बाल भी बनाने हैं। वहां तक लड़के की नजर ही कहां जाएगी? तुम पूरी की पूरी कितनी क्यूट लग रही हो। अचानक कितनी बड़ी लग रही हो तुम इस ड्रेस में। और लड़का तो गया। संजू मुझे नहीं देना है इंटरव्यू। क्या क्या वो लड़का कहां है? नहीं वो मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। ओके क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। हाँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चलो चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ये चिंता डर नर्वसनेस सब छोड़ो। आज का इंटरव्यू ही क्या, तुम सारे दुनिया के इंटरव्यू में पास हो जाओगी। यकीन नहीं आता ना? अखंड ब्रह्मांड कोटि संजू बाबा का आशीर्वाद है। जब बच्ची तेरा कल्याण होगा। जय श्री गणेशाय नमः। हेलो हाय आई एम मयूर। मयूर विरानी जी। मैं विनाशी निवासी शिवानी। सत्यानाश शिवानी गई काम से। ओह सॉरी। हाँ नहीं नहीं इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? नहीं है। ओह सॉरी अगेन। गड़बड़ हो गई। क्या करें? अरे ये लड़की को बचाना पड़ेगा। कैसे? अरे पेपर लाओ पेन। हाँ। लाओ जल्दी। शादी के बारे में क्या सोचा है? या मॉम तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? खोचूं? बोलो बोलो कुछ तो सोचा होगा। पर आप हंसी क्यों? जी वो मैं जब मैं बहुत घबरा जाती हूँ ना तो मैं हंसने लगती हूँ। इस तरह जब मैं बहुत डरावनी पिक्चर देखती ना हॉरर हॉरर तो
और जो हंसने वाली फिल्म देखती हुई तब घबराती होगी। नहीं, तब मैं रोती हूँ। आपको बच्चे पसंद है? राजू पिंकी को बुला। नहीं नहीं, मैं उन बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहा। फर्ज करो अगर लड़का होगा हमारा तो क्या नाम रखेंगे बेटे का? बाबू भाई। बाबू भाई। मेरी माँ मेरे पिताजी को प्यार से बाबू भाई कह के बुलाती है। किसी को बताना नहीं हमारे घर में। हमारे भी नहीं। नहीं। आप बहुत हंसमुख हो। Good news, good news. The boy says she's hustle. That means he's gonna be who? Yes, sir. इस दफे लड़के को शिवानी पसंद आ गई तो मैं मीठा खाना छोड़ ही दूंगा। और मैं आपको चुकना छोड़ दूंगी। छोड़ दिया क्या? क्या क्या छोड़ दिया? देखो ना, क्या छोड़ दिया। और मैं जिसको भी घर ले जाना छोड़ दूंगी। और मैं वो क्या कहते हैं, वो छोड़ दूंगा। वो तू बोलना छोड़ दे पहले। इस बार अगर काम हो गया ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम शिवानी को मंडप में बिठा कर ही जाओगे। शिवानी, अभी तक आपने मेरे बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। अभी तक अपने आप से भी कहा कुछ पूछा है मैंने? वाह क्या गहरी बात है। आज तक इतने सट्टे खेले लेकिन जी चाहता है कि आज का सट्टा मैं हार जाऊं और शिवानी जीत जाए। हाँ। मैं फनी लगी आपको? मैं रियली फनी भी, स्वीट भी, खूबसूरत भी। खूबसूरत हेलो हेलो। क्यों बेटा, हो गई बातचीत? हाँ परफेक्ट। लेकिन एक बात कहनी रह गई। क्या बेटे? वो मम्मी डैडी से बात करके ऑफिशियली फोन कराऊंगा। जीत गई। अरे कहाँ चले, पैसे तो वापस देते जाओ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। शाबाश बेटी, शाबाश। क्या हुआ? क्या बात है बेटी, कहाँ खो गई शिवानी? अरे अब तो भगवान ने सब ठीक कर दिया। ये सारा जादू अपने संजू ने किया। किस पर बाबूजी, शिवानी पर या मयूर विरानी पर? लेकिन मैंने तो, मैं संजू गया कहाँ? 14 के बाद ये 15। डॉक्टर लाल, काम हो गया? संजू जल्दी कर, मैं ये कैलेंडर की आरती करते करते दिन गिन रहा हूँ। मेरे भाई जब ये फोन बजता है ना तो जोगिया के डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगते। फोन क्या वाइब्रेटर हो गया इसकी ऐसी, अगर इसको मैं दही में डाल दूँ ना तो लस्सी हो जाए, लस्सी में डाल दूँ तो कुल्फी हो जाए। और जब चलो एक काम कर, मान ले और जल्दी निकल प्लीज। ओके हाँ। किसका फोन था? संजू शास्त्री का। संजू तो मैं हूँ। दादी ये घोड़ा है और ये सिर्फ डाइस कैप चलता है। बड़ा कमजोर है तुम्हारा घोड़ा। राजू, राजू हा? वो तुम्हें पिंकी बुला रही है दादी। क्या? मुझे ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। कौन और कौन? वही मयूर, मयूर वीरानी। अरे पगली, चल बैठ यहाँ। शिवानी, शुरू शुरू में ऐसा होता ही है। जब मेरी मंगनी हुई थी ना तेरे दादाजी के साथ तो वो मुझे कहाँ अच्छे लगते थे, धीरे धीरे उनकी अच्छाइयाँ नजर आने लगी। कितनी अजीब बात है, अपने करीब के लोगों को पहचानने में ज्यादा वक्त लग जाता है। ये सारी जो बातें होती है ना, ये है वो, ये सब लड़कियों को क्यों बताई जाती है हमारे यहाँ पर? बार बार वही, मैं उसे नहीं चाहती। क्या हुआ शिवानी, फिर से क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। भवानी जंक्शन, भवानी जंक्शन, शिवानी, शिवानी जंक्शन। माँ क्या हुआ इसे? पता नहीं आज फिर उसे क्या हो गया है, कह रही थी उसका मन नहीं लगता मयूर के साथ। संजय तुम समझाओ उसे। मैं? तुम्हारी तो सुनती है, मेरी तो बात ही नहीं मानती। हाँ जब तुम साले से हमारी बात नहीं मान रहे हो तो आज तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात क्यों मानेगी? क्या माँ, कौन सा बड़ा पाप कर लिया मैंने? दो ड्रिंक पी लिए तो ये बेटा राक्षस हो गया? तुम तो सब जानती हो माँ, फिर भी। बात संस्कारों की है। संस्कार? तो हमारे उन जुआ और सट्टा खेलने वालों के संस्कारों का क्या? दिन रात दो नंबर का हिसाब बनाकर जीते रहते हैं, वो शरीफ लगते हैं? चिल्लाओ मत, दिलीप सुधा ठीक कह रही है, बिल्कुल सही। तुम पहले अपनी ये आदतें सुधारो। देखिए बाबूजी, मैं ये कह रहा हूँ, याद किया किसी ने? अभी अभी मैंने सुना,
कोई जुआ सट्टा ऐसे बोल रहा था। नहीं नहीं, वो जुआ बोल रहा था कि मुझे दुआ दे रहे थे, मेरी समझ में नहीं, इसलिए समझदार है, समझदार हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। बस बस बस, अरे तुम लोग भी टीवी सीरियल की तरह छोटी छोटी बातों को खींचते रहते हो, हर बात पे इमोशनल हो जाते हो। रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा शिवानी को। बहुत पजल रहती हो आजकल। ये शिवानी, ये क्रॉसवर्ड पजल में क्या खोई रहती हो, छोड़ो ना। मैं जो भी करूं तुम्हें क्या लगता है ना? लगता है तू मेरा क्या लगता है? क्या आ गया समझाने, घरवालों की वकालत करने? दस लड़के मार के एक लड़की पैदा की ऊपर वाले ने। देखो शिवानी, माँ कह रही थी कि वो पहले ये पहले सोचा, तीन अक्षर प्रेम प्यार के मतलब के अंग्रेजी में बोलो, थ्री लेटर्स रोमांस। ओ रोमांस लिखो, रोमांस लिखो। तुम सुन रही हो ना? देख रही हूँ। देखो शिवानी, तुम्हारे मन में क्या है? इतना भी नहीं समझते, अपने मन से पूछो। देखो शिवानी, वो मयूर है ना, बहुत अच्छा लड़का है, बातें करो उससे, मिलो, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाओ, एक दूसरे की लाइफ के बारे में पूछो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें करो। धीरे धीरे पास आने से वो लड़का, उसकी परफ्यूम की खुशबू, उसके सिगरेट पीने की अदा, उसके रूठने मनाने का अंदाज अच्छा लगने लगेगा तुम्हें, और धीरे धीरे तुम्हारे आसपास अपनी सपनों की दुनिया बनाएगा तुम्हारा ड्रीम मैन। शाम का इंतजार करोगी तुम सुबह से, उसके फोन के इंतजार में तुम बार बार अपनी घड़ी देखोगे। तुझे सपनों में, तू माने ना माने,
देखो तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। दिल विल प्यार व्यार है ना, बहुत बड़ा दलदल है। जो प्यार में अटका उसका नसीब है झटका। माजी, इसके आगे मुझे भी नहीं आता। भजन भले अधूरे हो, हमारे संस्कार तो पूरे हो गए। हमारा एमटीवी चैनल दूरदर्शन बन गया। इट्स अ मिरेकल, कमाल कर दिया देवर जी, कुछ कमाल। करो ना माजी। महेश को समझाओ ना। गॉड ब्लेस। अरे महेश तुम क्या कर रहे हो, साफ साफ इसे जवाब क्यों नहीं देते? बिजनेस में तुम लोग इसकी मदद करने वाले हो कि नहीं? हाँ माँ, पहले हम सोचते हैं बाद। तू डरता क्यों है संजय? देख, एक बार इनके साथ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने दे, मैं तेरा काम कर दूंगा 100%, प्रॉमिस। दादाजी को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? दादी। अभी तक और क्या कर सकते हैं? आज शाम को चेस के टाइम पे ना, तुम वहां पहुंच जाना। चेस के टाइम पे? वाह वाह दादाजी, क्या चाल है। 30 साल की प्रैक्टिस है, चाबुक की तरह चलता है दिमाग। दिमाग? दादाजी ये दिमाग विमाग छोड़ो, दिल की बात करो तो जानू। आपका बेटा महेश है ना, आपसे सालों से बात नहीं करता, तो फिर ये लकड़ी के घोड़े सिपाही जीतकर क्या करोगे? अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं। अरे अरे महेश भाई आप, अरे आइए ना। नहीं नहीं यूं ही जरा आप। चाबी कहाँ गई? तिजोरी की चाबी चाहिए होगी। तिजोरी में है ही क्या, एक सिर्फ चाबी तो बची है, बड़े बेटे ने बांट दिया होगा खैरात में। आओ आओ बैठो बैठो यार, बैठो बैठो। अरे ये क्या चल जाएगा, ये सट्टा नहीं है शेयर बाजार का, चेस का गेम है चेस का। अरे किनके साथ खेलने के लिए तू मुझे बोल रहा है? अरे कौन खेलता है इनके साथ? अरे इनका ऊंट तो हमेशा टेढ़ा ही चलता है, हाथी सीधा। महेश भाई महेश भाई गलत चाल खेलो ना, बुड्ढा खुश हो जाएगा। अरे मैं क्यों गलत खेलूं? लेकिन मैं क्यों गलत खेलूं? तू बीच में मत बोल। अरे अरे
ये बॉक्स क्या है? ये वो। अरे इसमें क्या है? नहीं नहीं ये तो लड्डू। किसके हैं? बेसन के। ये वो बुड्ढे लोगों के लिए ना जिनके दांत नहीं होते। हाँ उन लोगों के लिए होते हैं। इनके दांत तो मजबूत है, कब से मेरे पे पकड़े हुए हैं दांत। खेलिए खेलिए मैं आया। चलिए। वाह 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 क्या चाल चली है। करेक्ट। आखिर बेटा किसका है? तू बीच में मत बोल। देखा अभी तक मुझे बेटा नहीं मानते वो। दादाजी दादाजी बात सुनो ना, प्लीज छोड़ो ना यार, गेम जीतने दो ना, उसे माफ कर दो ना। मैं क्यों हारू? मैं क्यों हारू? बड़ा कौन है, मैं या वो? आई थिंक वो। मेरा मतलब है आप। फिर आप? फिर गेम वो हारेगा, माफी वो मांगेगा। तू बीच में मत बोल। ले। अरे महेश भाई अगर बुड्ढे का दिल जीतना है ना तो गेम उल्टा खेलो। उल्टा ही तो खेल रहा हूँ मैं। सीधा खेलना आता है किसको? क्या चाल चली है, क्या गुगली फेंकी है देखो। वाह 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 क्या चाल है दादाजी। देखो ना फंस गया फंस गया फंस गया ना टिल्लू। टिल्लू? कितने वर्षों के बाद टिल्लू कह के पुकारा आपने। बाबूजी मैं असल में चाबी ढूंढने नहीं आया था, मैं तो आपको लड्डू ही खिलाने आया था। मैं भी कहा गेम खेल रहा था, बहुत तड़पाया तूने मुझे, अब तू बीच में बोल। दादाजी मुझे पता नहीं था कि इस 100 ग्राम के लड्डू में इतनी ताकत है। ए पिंकी क्या हुआ? मम्मी पापा लड़ते रहते और मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो क्या हुआ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ ना, तू कितनी स्वीट है। लेकिन आप मेरे पापा थोड़े हो। और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम कितनी क्यूट हो। लेकिन आप मेरे मम्मी थोड़ी हो। वो भी सही है, अगर आप दोनों मेरे मम्मी डैडी होते तो कितना अच्छा होता। आइडिया, आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते, फिर आप दोनों अपने बच्चों से कितना प्यार करोगे, है ना? चुप, कुछ भी बड़बड़ करती रहती है पागल। अच्छा अब रोना बंद करो ना। हंसो ना। ऐसे नहीं, तुम दोनों साथ में मनाओगे तो वही हंसूंगी। ओके। कैसे बोलूं, मुझे वो आ रही है। क्या वो? वो लड़कियों को घूंघट में होता है ना पसीना। नहीं, नहीं। लड़कियों को जब वो आती है तब वो जो पैरों से जमीन को कुरेदती है ना, शर्म। हाँ शर्म आ रही है। एनीवे कह देता हूँ आई। हाँ आई लव यू भी ठीक तरह से नहीं बोल सकते आप। क्या हुआ सतीश भाई? पता नहीं संजू यार, मैं एक बात ठीक से नहीं कह पाता। आई मीन मन की शक्ति का उपयोग करो। किसकी, मेरी या तुम्हारी? तुम्हारी ऑफ कोर्स। अमेरिका में एक आदमी ने चम्मच की तरफ ध्यान लगाकर देखा। हाँ? तो चम्मच ही टेढ़ा हो गया। क्या बात कर रहे हो? अरे आगे सुनो, जब वो टीवी प्रोग्राम पे एक चमत्कार दिखा रहा था। हाँ? जितने घरों में टीवी चल रहे थे ना उन सबके चम्मच टेढ़े हो गए। ओहो रहने दो, ये चम्मच का सेट मैंने नया खरीदा है। बोलो कि आज के बाद मैं हकलाऊंगा नहीं। मैं हकलाऊंगा नहीं। रिपीट करो, मैं हकलाऊंगा नहीं। मैं एक दिन क्रिकेट कमेंट्री दूंगा। कमेंट्री दूंगा, वनडे की या टेस्ट मैच की? वनडे की। ओग्रांड के रन में बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले, टूटा पापड़ कच्चा, सुन ले दुश्मन बच्चा, सुन ले दुश्मन बच्चा। पूरन मासी ऑन वैलेंटाइंस डे, मेरी भैंस को डंडा किसने मारा, मेरी भैंस को डंडा किसने मारा, किसने मारा है? दिल जिगर किडनी लिवर, दिल जिगर किडनी लिवर। ओफो ओफो, अरे क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो तुम? अरे हटाओ ना इसे, हटाओ ना इसे प्लीज प्लीज। अरे तुमसे नहीं कह रहा हूँ, तुमसे नहीं कह रहा हूँ। अच्छा 15,000 दो। 15,000 का है के भाई, इतनी जल्दी 15,000 लूटने बैठा है क्या? देखा असर हुआ ना? अरे हाँ संजू, हाँ ज्योत, ज्योत दिखाई दे रही है। चमत्कार संजू, चमत्कार, डिवाइन रोशनी, यू आर ग्रेट, आई एम ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, एवरीवन इज ग्रेट। बोलते रहो बोलते रहो। ये क्या हो रहा है? डार्लिंग डार्लिंग जरा देखो ये चम्मच टेढ़ा हुआ, आंखें टेढ़ी हो गई है। ओ चलो
कुछ तो टेढ़ा हुआ। ए आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। क्यों? करो ना प्लीज, अब हाथ आगे करो, पकड़ो 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 फटाफट। ये क्या है? फीलिंग्स। शिवानी, अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? जूते भाग रहे हो मैं। अरे जाके जल्दी तैयार हो जाओ मयूर साहब आगे ले जाने के लिए। जू में दंगे हुए कर तो लगे करते हो। संजू क्या कर रहे हो तुम, इन्हें समझाओ, अंदर भेजो जल्दी, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। मुझे नहीं जाना है उस मयूर के साथ। प्यार करने के 7 स्टेप तो आजमा लो, गिव अ ट्राई। 7 स्टेप? शिवानी तुम बच्चों को कहां ले आई हमारी प्राइवेसी में? आपको नहीं पसंद बच्चे? एक जमाने में मैं भी बच्चा ही था। Really? इनफैक्ट बच्चे मुझे इतने पसंद है कि पड़ोस के सारे बच्चे मेरी गोद में ही बड़े होते हैं। और मेरी गोद में खेलते के लिए प्यार से मुझे गोदराज अंकल कहते हैं। तो फिर उठा लो ना राजू को, बेचारा कब से थक गया है। क्या मैं राजू को उठाऊं? शादी के बाद की ट्रेनिंग तो अभी से लेनी पड़ेगी ना। लाओ यहाँ मुझे। थैंक यू अंकल, आज आपने मुझे उठा लिया, कल भगवान आपको उठा लेगा। बच्चा है बच्चा है, मजाक ही मजाक में मन की बात कह देता है। वो वहाँ वहाँ कमा के जी खा खा के बहुत थक गया, चलो अब उठा लो। अब मयूर जीजा जी एक चौक सुनाएंगे। एक सरदारी था। नहीं नहीं नहीं, ये सुना हुआ है। अच्छा ये सुना हुआ है। एक गधे को एक घोड़े से प्यार हो गया। ये भी सुना हुआ है, ये भी सुना हुआ है। पूरा तो कर रहे दो। ये तो बचपन में सुना हुआ है। ये बचपन में ही सुना है, मैंने तो अभी अभी सुना। हे जोक, यहाँ गधे घोड़े की बात करना है हो या लड़की पटाने? लड़की पटाने। तो फिर जस्ट से आई लव यू। यस ओके शिवानी, सबके सामने कहता हूँ I love you। ये जोक नहीं है। It's really a good joke। अरे मुबारक हो मुबारक हो। अरे शिवानी के लिए वीरानी परिवार के यहाँ से हाँ आ गई है। क्या? हाँ अब 1 महीने में शादी हो जाएगी और अपनी सारी कंपनीज वो ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि आप मैं हम सब का बेड़ा। करेक्ट। ए मजबूर, लेकिन वो जो मेरे बिजनेस के पैसे हैं वो भी। बिल्कुल यार। कितना अच्छा दिन है ना आज, आज लड़की का रिश्ता भी पक्का हो गया और आज माँ और बाबूजी की शादी की सालगिरह भी है। क्या महेश भाई, आज दादा दादी को एक ऐसी सरप्राइज देते हैं कि वो रो पड़ेंगे फिर से। अरे हमेशा रोते ही तो है वो। एक बार कहो ना दीनानाथ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा दीनू। नहीं अरे तुमने भारत छोड़ो आंदोलन की कसम। ऐसा याद है उस वक्त मूड में मैं कह गया था मैं इस देश का महान नेता बनूंगा, इस देश को बदल डालूंगा, याद है? और मैंने कहा था रहने दो, अपने लहंगे की नाड़ी तक नहीं बदल सकते, देश क्या बदलेंगे। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात मान ली थी, अब तो मेरी बात मान लो। एक बार प्यार से पुकारो ना। कह दिया ना नहीं दीनू। अरे मरने के बाद भी मेरे चिता की लकड़ी के साथ ये लोग लड़ते रहेंगे, कहो मर गए सबके सब। अरे मेरे मैयत पे गए हैं क्या सब? अरे शुभ शुभ बोलिए ना, क्या हो रहा है ये सब? क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे कोई जवाब भी देगा? ये शादी की सालगिरह मुबारक। दादा दादी को हम मुबारकबाद देते हैं सालगिरह की और आज उनके लिए हम एक सरप्राइज पार्टी देंगे। दादी बनेंगे फिर से दुल्हन और दादा दुल्हन और हम सब बनेंगे बाराती। शर्मा गई मेरी दुल्हन। अच्छा हाँ बढ़ा दी ये घूंघट।
अरे साहब सब खत्म बड़े भैया सब खत्म। चिल्लाओ मत, तमीज से बात करो। कौन सी तमीज? कमीज उतारने की बारी आई यहाँ पे। रास्ते पे आ गए हम सब लोग। क्यों भरोसा किया इन यूनियन वालों पे? हा? वो मल्होत्रा प्रोडक्ट्स ने खरीद लिया है हमारे मजदूरों को। यहाँ पे हड़ताल करा के अपना सारा ऑर्डर वो खा जाएंगे। 2.5 करोड़ का माल सड़ जाएगा बड़े भैया, 2.5 करोड़ का। नमस्ते मालिक। क्या बात है चौहान, बोलो इनको फैक्ट्री का काम ठीक ठाक चलेगा? तुम भी? क्या करूं मालिक, पेट चीज ही ऐसी है, जब खाली है तो शोर मचाती है और जब भर जाता है तो डकार मारती है। तुम बहुत घटिया आदमी हो। हमारा डिमांड कुछ नया नहीं है, वही पुराना डिमांड, पैसा। मजदूरों को मैं संभाल लूंगा। अरे संजू कहाँ है तू लल्ले है? अरे यार ये जोगे ने पूरे घर को घेर लिया मेरे बाप। यहाँ पुतले पे चाकू घुसेर गया, दीवार पे खून से लिख गया, 2 दिन का वार्निंग दिया मेरे बाबा। आज गुड़िया पे कल मेरे को चाकू मारेगा यार। तू एक काम कर, माल लेके वहां से निकल, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। और ये असली संजय शास्त्री को तो मैं पटा पटा के थक गया मेरे भाई। एक काम कर, तू यहाँ रहने तो मैं वहां आता हूँ। मैं निकल रहा हूँ, जल्दी से निकल रहा हूँ। क्या हो रहा है? अरे इंडिया पाकिस्तान की मैच थी ना, हाँ। तो इंडिया जीत गई इसलिए पटाखे फूट रहे हैं। अच्छा हाँ बच्चा, याद रखना, बोल दे देना। संजू ये क्या, तुम हमें छोड़कर जा तो नहीं रहे हो ना? नहीं मैं तो सिर्फ ऐसे ही। मैं हार गया हूँ संजू, मेरी वजह से सारा बिजनेस गिर गया। मैंने ऐसा नहीं चाहा था। अब तुम ही बचा सकते हो मुझे और मेरे परिवार को। दिलीप भाई मैं क्या कर सकता हूँ? संजू तू समझा शिवानी को कि वीरानी परिवार का रिश्ता ना टूटा, वो लोग हमारी कंपनी संभाल लेंगे, हमें कर्जे से बदनामी से बचा लेंगे, और फिर मैं ये घर और ये बिजनेस छोड़कर दूर चला जाऊंगा। मैं लायक नहीं हूं हिसाब किताब की दुनिया के। मेरी ऑनेस्टी, मेरी बातें कमजोरी लगती हैं सबको। शादी के बाद विदाई मेरी बेटी की होगी, लेकिन घर छोड़कर जाऊंगा मैं भगोड़ा हूं बेटे, और फिर तलाश करूंगा जिंदगी के सच को और चीख चीख कर पूछूंगा जिंदगी से, बता कहां कभी रह गई, क्यों मुझे इतना लाचार बाप बनाया कि आज पैसे के लिए अपनी बेटी की शादी करवा के। संजू प्लीज तू समझा शिवानी को शादी के लिए। अब मैं और क्या कहूं अपने मुंह से। दिलीप भाई सब ठीक हो जाएगा। बस बोल चुके तुम सब कुछ, अब सिर्फ हां या ना में जवाब दो। अगर इस रिश्ते से मैं खुश नहीं हूं और कभी हो भी नहीं सकती, तो वो मेरे अपने जो मुझे खुश देखना चाहते हैं, क्या वो कभी खुश हो सकते हैं? नहीं। इन तीनों भाइयों को बिजनेस में बांधे रखने के लिए मुझे किसी के भी साथ घर बसाना होगा? आज मेरा किसी के भी साथ घर बसा रहे हैं, अगर कल को राजू को किसी ने किडनैप कर लिया, 50-60 लाख रुपए मांग लिए, तो क्या कहेंगे ये लोग? मार डालो उसे, क्योंकि वो बेचारा अपाहिज है, जैसे मैं लाचार हूं, कुछ नहीं कर सकती। क्या फर्क क्या है हम दोनों में, बोलो? तुम जानती हो तुम्हारे पापा के? हाँ मैं जानती हूं, मैं जानती हूं कि मेरे पापा हार चुके हैं, टूट चुके हैं वो, लेकिन इसका मतलब मुझे मेरी सारी जिंदगी उनकी हार, उनकी नाकामी, उनके सारे दुख विरासत में लेके जीना पड़ेगा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूं? पता है संजू, आज पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूं मैं कि मेरी मां मर चुकी है, जिंदा नहीं है वो, ये सब कुछ देखने के लिए। और तुम किस मुंह से मुझे ये सब कुछ बताने आए हो? आंखों में आंखें डाल के बताओ कि एक दिन इसी जगह अपने आप से आजाद करने के लिए जिस तरह मेरी किताबें जलाई थी, उस तरह आज मेरा फ्यूचर जलाने आए हो? शिवानी, उसी दिन छत से धक्का क्यों नहीं मार दिया जिस दिन नई सांस लेना सिखाया था, अपने आप से आजाद किया था, जिंदगी से लड़ना सिखाया था, अपने आप पे भरोसा करना सिखाया था, क्यों सिखाया था? एक बात मैं और जान चुकी हूं तुम्हारे बारे में, बहुत झूठ कहा तुमने मुझसे, तुम मेरे दूर के रिश्तेदार हो ही नहीं सकते, तुम तो मेरे बहुत करीब के हो,
क्योंकि इतना दुख कोई अपना ही दे सकता है। संजू, पहले एक बार मुझे छूकर कहो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो क्या वो सही है? शिवानी, इन सब सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। अपने आप को सुखी करना पाप है? नहीं। क्या तुम सुखी होंगे मेरे जैसे लड़की पाकर जिंदगी में? बोलो, चाहते हो मुझे? पसंद करते हो? Do you love me? बोलो हाँ या ना। शिवानी दीदी, सब लोग तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। मुझे जवाब चाहिए संजू। जवाब तुम जानती हो शिवानी। शिवानी दादी, शिवानी come on। हिरानी जी, ऐसी शादी रचाऊंगा कि पूछो मत। आज तक आपने मुंबई में ऐसा सेट नहीं देखा होगा रिसेप्शन का। फिल्म वालों को बुलवा के बनवाऊंगा। भाई साहब, रिसेप्शन पर गोविंदा भैया से डांसिंग कराएंगे हम। अरे शादी है, इतना हंगामा क्यों? आखिर बात क्या है? अरे समधी जी, हमें भी तो आपके उसके साथ वो मिला के चलना होगा। वो मिला के क्या? कंधा अभी चक्कर रोकती हुई सब तमाशा। पागल मत बनो शिवानी, का नाम लेकर शुभ शुरुआत कर दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। इनफ इज इनफ। किस अधिकार से पकड़ रहे हो यार? और किस भरोसे से तुम ठुकरा रही हो ये रिश्ता? हम लड़कियों को ना एक सेक्स सेंस होती है, स्पर्श पहचानने की सेंस। एक शर्त पर मैं नीचे चुप रहूंगी। क्या? आज शाम को तुम मुझे टेरेस पर मिलने आ जाओगे। शिवानी, शिवानी, अरे शिवानी क्या कर रही हो तुम? गिर जाओगी तुम। तुम जो हो थामने के लिए, फिर मैं क्यों डरूं? मरना है क्या? हाँ मरना है, तुम पर। देखो शिवानी, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ तुम्हारे लिए। तुम नीचे उतरती हो नहीं? पहले तुम कहो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। तुम यार बस करो शिवानी ये सब। कम ऑन संजू, एक दिन इसी जगह तुमने मुझसे कहा था कि शिवानी जिंदगी का सामना करना सीखो, और आज तुम मेरा सामना नहीं कर पा रहे हो। शिवानी तुम सचमुच ब्यूटीफुल हो। आई लाइक यू। अब बोलो, डू यू लव मी? डू यू लव मी? ओके ओके, आई लव यू। ओके नीचे उतर आओ प्लीज। था प्यार जीतने के सिर्फ 6 स्टेप सिखाऊंगी, सातवां मैं अपने आप समझ जाऊंगी, है ना? मैं अपने आप समझ गई कि अपने आप को देना पड़ता है प्यार में। लो, सातवां फेरा भी पूरा कर लो। मन से ना मैं कब की तुम्हारी हो चुकी हूं, अब तुम मुझे। आओ आओ बैठो बैठो, आओ बैठो। ये लो तेरी लाइफ का सब कुछ। ये क्या है? इसमें 10 लाख रुपए के छुट्टे हैं। ये तुम्हारे बिजनेस के लिए रख दो। अरे डील पक्की हो गई वीरानी ग्रुप के साथ, मुबारक हो। और संजू, ये 5 लाख के छुट्टे शिवानी की शादी के लिए। शिवानी की शादी की तैयारी शुरू कर दो बॉस। अरे ऐसा रंग जम जाना चाहिए कि शिवानी की शादी याद रह जाए। ए संजू, तू खुश नहीं हुआ क्या? क्या सोच रहे हो? आंखें बंद करोगे तो मुझे पाओगे, आंखें खोलोगे तो मुझे ढूंढोगे। अब कहां जाओगे शिवानी? बचा लो ना। बोलिए।
बहुत ही खूबसूरत है। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि ऐसा लगता है खुशी के मारे रो पड़ूंगी। और एक तुम उन तारों की तरह जो हमारे साथ तो है पर हमारे पास नहीं है। शिवानी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट हिलना मत। हाँ तुम्हारी पलक कितनी क्यूट है। इसे हथेली पे रखो, आंखें बंद करो, अपने चाहने वाले का नाम लो। सच्चे दिल से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं मांगना। पलक का इंसल्ट मत करो, आखिर रो रही थी। मुझे मांगो। इनफ शिवानी। ऐसे मूड में क्यों हो तुम? चलो तुम्हें और एक चीज दिखाती हूँ। आओ चलो, पागल प्रेमियों की तरह हर जगह हमारे नाम लिखते संजू शिवानी। इनफ शिवानी, ना ये मेरा नाम है ना मैं तुम्हारा हूँ। शिवानी मेरा नाम संजू शास्त्री नहीं है। मैं तुम्हारे रिश्तेदार से ये नाम लेकर तुम्हारे घर का एड्रेस लेकर तुम्हारे घर में घुस आया था। शिवानी मैं एक फ्रॉड हूँ, एक चलता पुर्जा चीट हूँ मैं। अच्छा, मैं भी शिवानी नहीं हूँ संजू, मैं वो फूलन देवी हूँ। एक्चुअली आई एम मैडोना। नो 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 नो, एक्चुअली आई एम कमला भाई सोनटकी। नमस्ते। शिवानी प्लीज, मैं तुम्हारे घर में घुस के 50-60 लाख रुपए की टोपी घुमाने आया था। आइडिया, एक काम करते हैं, दोनों साथ में मिलके घर साफ कर लेते हैं, फिर दूर चले जाएंगे, कनाडा, अमेरिका, नहीं, अच्छा ठीक है, बांग्लादेश। शिवानी प्लीज, तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हें चीट नहीं कर सकता शिवानी, यकीन मानो शिवानी, मैं यकीन के लायक नहीं। मत देखो मेरी आंखों में शिवानी, तुम्हारी आंखों से डर लगता है मुझे। तुम चाहती हो ना कि मैं कुछ मांगू, तो आज मैं मांगता हूं कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ शिवानी, हमेशा के लिए। सिर्फ एक और दिन चाहिए, आज की रात और कल का दिन, वो अपने आप समझ जाएगी, उसे समझ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। संजू बेटे, तू कुछ परेशान है? मुझे पता, देख तू कहीं भाग तो नहीं जाएगा ना? हाँ नहीं ना, ऐसे तेरा पैर ठीक होगा, क्यों सिद्ध कर रहा है? संजू टहल ना, ठीक है, दवाई नहीं लगा रहा है, तेरी बात मानता है, तू ही समझा इसे। संजू देवर जी क्या हुआ? ए संजू, ये देख मेरा पिटादा इंच अंदर चला गया, अब मैं फास्ट भी बोल सकता हूँ, बता क्या बोल के दिखाओ। संजू क्या हुआ, तू इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों लग रहा है? अरे चीयर अप मैन। शिवानी शिवानी मेरी बात तो सुनो, मैं
मम्मी कहती है कि शिवानी दीदी की शादी हो जाने के बाद वो हमें छोड़ के चली जाएगी। क्या सच्ची ऐसा होगा संजू भैया? संजू भैया आप तो हमें छोड़ के नहीं जाओगे ना? बोलिए ना संजू भैया। आज मेरे पास कोई कहानी नहीं है तुम लोगों को सुनाने के लिए। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। ले मेरी बात ध्यान से सुन। अरे असली संजय शास्त्री घर से निकल गया है, वो किसी भी वक्त वहाँ पहुँच सकता है। एक काम कर, जितनी जल्दी हो सके तू माल लेके वहाँ से निकल जा मेरे बाप। हो जाएगा नटवर, आज रात को ही काम हो जाएगा। जो क्या मेरे पीछे हाथ जो के पड़ा हुआ, मैं घर से बाहर हूँ, रोड पे आ गया हूँ मैं। तू एक काम कर, चटना के मेरे को मिल। अच्छा ओके चले, सब बोल संजू की तरह बोल। कौन कहा है संजू? मेरे को नहीं पता। संजू की तरह बोल। मैं अभी अभी अपनी याददाश्त को बैठा हूँ। तू याददाश्त को बैठा है, मैं अपनी बर्दाश्त को बैठा हूँ। चल सही बात है। छोड़कर भाग रहा था। हम तो उम्र भर के लिए तेरे कर्जदार बन गए। कौन लगता है तू हमारा? क्यों करता है ये सब? महेश भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई चमत्कार करने वाला बाबा नहीं हूं, मैं तो यहां से भाग रहा था। देखिए महेश भाई, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। महेश भाई, शिवानी तुम तो जानती हो सब कुछ, तुम ही बोलो ना। ये तो तुम्हारा एक और जादू है हमारे घर पर, वही जादू संजू जो तुमने मुझ पर भी किया था। दादाजी पापा, मैं संजू को चाहती हूँ। क्या क्या बकवास कर रही है तू? हम तो वीरानी परिवार को जबान दे चुके हैं। ये मेरी जिंदगी है महेश चाचा। खामोश क्यों हो संजू, जवाब दो। संजू अपने मुंह से कहे या ना कहे, मैं उसे चाहती हूँ, सिर्फ उसे। और इस बार अगर मुझे किसी ने कुछ कहा, रोका या टोका, तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। शिवानी नहीं, आप लोग इसकी बात मत सुनिए ना। मैं संजू शास्त्री हूँ,
और ना ही मैं लायक हूं इस रिश्ते के लिए। धोखेबाज है ये, फ्रॉड नंबर वन है ये। अरे पर तुम कौन हो भाई? संजू शास्त्री। संजू शास्त्री आपका रिश्तेदार। ये आदमी मुझसे आपके बारे में पूछकर आपका एड्रेस लेकर मेरे फोटो पासपोर्ट सब कुछ छीन कर यहाँ आ गया। हाँ। और इसके दोस्त मुझे 2 महीने तक घुमाते रहे इंडिया में। बहुत चालू आदमी है ये। मैं सुमन का बेटा हूँ दादाजी। कहाँ जा रहे हो मिस्टर संजू? मतलब राजू का चलना महज एक इत्तेफाक था? आस्तीन के सांप, हमसे इतना बड़ा धोखा किया तूने? क्यों किया तूने ऐसा? बता तुझे क्या चाहिए? पैसा? कितना पैसा चाहिए तुझे? कोई पुलिस को बुलाओ। जी अभी करके आता हूँ। पुलिस को मत बुला दो प्लीज। तूने हमारे साथ ये खेल खेला? तूने संजू जिनके घर में अपना बन कर रहा इतने दिनों तक? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा नाटक संजू, अब तो आदमी जात से भरोसा ही उठ गया हमारा। क्यों किया तूने ऐसा? इसका मतलब तू सचमुच भाग रहा था? हा? ये राजू जो इस तरह खड़ा है वो शौक से नहीं, वो एक इत्तेफाक था। हम तुम्हें चमत्कार करने वाला समझ रहे थे। हा? ये क्या खड़ा करेगा राजू को, ये तो खुद गिरा हुआ है। झूठा कहेगा तो? ऐसा क्यों किया बेटी? तुझे बेटा माना था मैंने, ऐसा करके तुझे क्या मिला? वो श्लोक, वो रामायण, तूने तो मेरी श्रद्धा को ही झूठा साबित कर दिया। अरे इस बुड्ढे की हाय लगेगी तुझे हाय, खेलता था मेरे साथ और मन के अंदर इतना बड़ा फितूर, हमारे प्यार का मजाक उड़ाया इसने। तो देख कैसे रो रही है, क्यों खिलवाड़ किया मेरी बेटी के साथ? अमीरी के ख्वाब, लाखों का बिजनेस, करोड़ों की बातें, क्या चाहिए तुझे? पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? इस बैग में क्या है? शादी के पैसे। बेशरम ना लश। तू बैग ला इधर, बैग ला। चोरी करना चोट लगी है, आयोडेक्स मलिए, काम पे चली। उठ। ए कौन है तू? ए सौंदर्य साबुन निर्मा, हाथ में गंदे के समझ में नहीं आते कौन है हम लोग। चल क्या चुराए इसमें? कुछ नहीं, ये दिल मांगे मोर ला। मैं बताता हूं इसने क्या चुराया है। देख सीन है यार, जिसने लुटा है वो भी रो रहा है और जो लुट गई वो भी रो रहे हैं। क्या सीन है यार? अरे रे रे रे, क्या है यार? ये क्या है? आठा ना? हाँ, ये चार आना? हाँ, ये 35 पैसा? हाँ, और ये श्रीमद भगवत गीता? चौधरी का घर लुटा है कि कबाड़ी की दुकान लुटी है? ये सब क्या कचरा लुटा है इसने? या हम तेरी जान के पीछे पड़े हैं और तू अपनी जान यहां लुटा रहा है? हाँ? अबे हीरो होंडा, इस घर के दरवाजे के बाद लेफ्ट लेगा ना तो एक दुनिया शुरू होती है जहां पे इन चीजों के रद्दी के दाम भी नहीं मिलते और तू महल से कचरा उठा लाया। वाह। और आप लोग प्लीज मेहरबानी करके रोना बंद कर दीजिए, हम अभी लूटना शुरू करेंगे। जा लूट। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, इस फैमिली को कुछ मत कर प्लीज। क्यों? इसने राखी बांधी है तुझे? हाँ? मैं रिश्ते में लगता हूँ तेरा, मुझे मेरे पैसों से मतलब है। चल लुट। तेरा हिसाब किताब मेरे साथ है, तू इस फैमिली को इसके बीच में मत घसीट। अरे तू क्या जानता है कि माँ क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं? इस घर के आंगन में मुझे कोई गंदगी नहीं चाहिए जोगिया, वरना यही दफना दूंगा मैं तुझे। गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस, दूध 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 दूध। बुढ़ापे के पीछे जवानी छलक रही है, आराम का मामला है, अपन के चॉइस का मामला है। इसके साथ कुछ किया कि नहीं? कि वो भी मैं ही करूं? आई लव हर जोगिया, आई लव हर।
रूप निखरा गुणकारी चंदन से। चल अंदर जा और गहने पैसे उठा कर ला। चल जा। कोई अंदर नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा? चिमन टुंडा, ये सुना तुमने? तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। जरा पार्सल ला तो। इनके जोश से बच के कहाँ जाओगे? अब बोल, अब तो लात मारेगा ना इन घर वालों को। जा जाके पैसे लेके आ जा। बच्ची को छोड़ दे जोगिया। अच्छा, फेंक दे रे। नहीं। संजू भैया, क्या कैच पकड़ा है? ब्रिटानिया खाओ और वर्ल्ड कप जाओ। बच्ची को नीचे उतार। टुंडा है तो गुंडा कैसे बना दे? कभी बेटा नहीं मरेगा। हर सिग्नल पे तेरा स्वागत है। क्या निकल? कम ऑन मिस्टर जोगिया, यू आर अंडर अरेस्ट। ले जाओ गन। वाह लल्ले, मान गया, ये दिल्ली तेरी कमजोरी है, ये दिल्ली तेरी ताकत है। जा यार, प्यार कर और शादी मना। तेरे एक एक मुक्के में सात सात जन्मों का कमिटमेंट था, तू इसकी फिक्र मत कर, बच्चे को मैं संभालता हूं। खुश रह यार, बाय। इस घर में आने के बाद मैंने हर बात झूठी कही, मेरी हर बात झूठी थी, लेकिन एक बात सच थी कि तुम वाकई खूबसूरत हो। किसी की भी जिंदगी सवार सको उतनी खूबसूरत। और तुम्हारी जिंदगी? भूल जाओ मुझे, एक पूरे सपने की तरह। संजू भैया, आप ही ने कहा था ना, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी चाहिए। आने वाला कल हमेशा बाकी होता है, और कोई आपको माफ करे ना करे, मैं आपको माफ करता हूँ। उठो ना संजू भैया, प्लीज। तुमने तो मुझको मुझसे मिलाया है संजू, तुम बुरे कैसे हो सकते हो? मेरी नजर से देखो तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे हो संजू। हमारे लिए बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब रिश्ता नहीं था तो इतने दिन रुके, अब रिश्ता है तो जा रहे। ए संजू, अब मान भी जा, वरना हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे कि एक आदमी हमें अच्छे अच्छे सपने दिखाकर चला गया। Oh, my God.